इस वक्त बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से आ रही है, जहां बीजेपी के 4 विधायकों का निलंबन वापस ले लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड विधानसभा से निलंबित बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही, भुल्लू महतो, जय प्रकाश भाई पटे, रणधीर सिंह का निलंबन वापस हो गया है। दरअसल गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में निलंबन वापसी का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में निलंबन वापस लेने की घोषणा की। वहीं इससे पहले बीजेपी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष के बाहर धरना दिया। धरना देने के दौरान बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री के इशारे पर सदन का संचालन करने का आरोप लगाया। बाद में विधानसभा अध्यक्ष के आश्वासन के बाद बीजेपी विधायक धरना से उठकर सदन की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे। बातचीत के दौरान बीजेपी के विधायक राज सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष के पैर पर गिर गए। बता दें, बीते मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग पर हंगामा कर रहे भाजपा के 4 विधायकों को अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अगले 4 अगस्त तक के लिए सदन से निलंबित कर दिया था। निलंबित किए गए विधायकों में भानु प्रताप शाही, ढुल्लू महतो, रणधीर सिंह और जेपी पटेल शामिल थे। इस दौरान स्पीकर ने भाजपा विधायकों को कहा था कि विरोध करिए, लेकिन आचरण ठीक रखिए। आसन आखिर कितना झुकेगा, इस पर सीपी सिंह ने कहा था कि झुकने की जरूरत नहीं है, सबको सस्पेंड कर दीजिए। इस दौरान थोड़ी देर के लिए भाजपा विधायक राज सिन्हा विधानसभा सचिव के टेबल पर बैठ गए थे। प्रदीप यादव इस पर उखड़ गए, कहा कि सबको बाहर करिए। सत्ता पक्ष ने भी नारेबाजी तेज कर दी। इस बीच सदन की कार्यवाही भी स्थगित हो गई थी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।